Hi everyone, this is Sivansli from MEL. Welcome to MEL Management e-learning. In this video, I am going to explain all about trade union. We are doing the EduWave series of industrial relation and today I am going to cover the unit 3, which is all about the trade union. So, these these are the content which I am going to cover. The meaning and definition of trade union, trade union movement in India, the role of trade union in modern industrial society of India, function of trade union, objective and importance of trade union, Trade Union Act 1926, the procedure for the registration of trade union, uh, the cancellation of trade union, trade union structure, rights and responsibility of trade union, penalty of trade union, and problems of trade union. So, this all i am going to cover in this video only. okay, so let's start from introduction, meaning and definition of trade union. trade union, also called labor union, or in an organization of workers or association of workers, perform to promote, protect and improve the social, economic and political interest of its member थ्रू कलेक्टिव एफर्ट ट्रेड यूनियन को हम लेबर यूनियन भी कहते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्कर से फॉर्म हुआ है यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ वर्कर है ओके okay? एंड ये क्यू फॉर्म हुआ है टू प्रमोट प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर ठीक है इसको आप पीपीआई शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो टू प्रमोट प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव दी इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर जो भी इसके वर्कर हैं उनके इंटरेस्ट को उनके सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रेड यूनियन होता है और ये इसमें हमेशा हम कलेक्टिव एफर्ट्स लगाते हैं ठीक है जो मजदूर होते हैं जो इंप्लाइज होते हैं वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट अचीव नहीं कर पाते हैं उनको सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना रहता है उसके लिए वो यूनियन बनाते हैं एक एसोसिएशन बनाते हैं और कलेक्टिव एफर्ट की तरह की तरह उसको अचीव करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द ट्रेड यूनियन वी कैन से ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्प्लॉइज फॉर्मेड ऑन कंटिन्यूअस बेसिस फॉर दर्पज ऑफ सिक्योरिंग डाइवर्स रेंज ऑफ बेनिफिट इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जो हम लोग देखेंगे ओके okay? मीनिंग से भी समझ सकते हो यूनियन मतलब एकजुट एक साथ और ट्रेड यूनियन जहां पे लेबर और लेबर यूनियन जहां पे सारे वर्कर एक साथ जुट के कलेक्टिवली एफर्ट लगाते हैं अपने सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं या सेव करते हैं इंडिया में सबसे पहला ट्रेड यूनियन फॉर्म हुआ था बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन इन नाइन एटीन ये फर्स्ट ट्रेड यूनियन फॉर्म हुआ था ओके अब नेक्स्ट है हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ट्रेड यूनियन मींस एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्पररी और परमानेंट कोई भी कॉम्बिनेशन आइदर टेम्पररी और परमानेंट फॉरमेड प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स जो वर्कर हैं और जो इम्प्लॉयर्स हैं उनके बीच अच्छी रिलेशन को मेंटेन करने के लिए रेगुलेट करने के लिए टेम्प्ररी और परमानेंट एक जो बॉडी बनती है उसको ट्रेड यूनियन बोलते हैं या फिर बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन एक वर्कमैन से दूसरे वर्कमैन के अंदर आ, के रिलेशन को मेंटेन करने के लिए या इंप्लॉयर्स से इम्प्लॉयर के रिलेशन को मेंटेन करने के लिए ठीक है So trade union means any combination whether temporary or permanent formed primarily for the purpose of regulating the relation between workmen and employer employer is management and workmen is labour between workmen and workmen and between employers and employers next slide is objective of trade union ट्रेड यूनियन का क्या ऑब्जेक्टिव है क्यों हम ट्रेड यूनियन फॉर्म करते हैं तो टू सिक्योर फॉर दी वर्कर बेटर वर्किंग कंडीशन वर्कर के बेटर वर्किंग कंडीशन को सिक्योर करने के लिए हम ट्रेड यूनियन फॉर्म करते हैं टू सिक्योर फॉर दी वर्कर सेफ्टी वर्कर के सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर स्कीम को सिक्योर करने के लिए ट्रेड यूनियन फॉर्म होती है टू सिक्योर दी वर्कर पार्टिसिपेंट इन मैनेजमेंट वर्कर का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेंट होने के लिए भी ट्रेड यूनियन हेल्प करती है देन टू इंश्योर दैट वर्कर गेट एज पर रूल्स प्रोविडेंट फंड पेंशन एंड अदर बेनिफिट अदर जो भी मॉनिटरी बेनिफिट है जो कंपनी से एज पर रूल मिलना चाहिए वो इंश्योर करने के लिए ट्रेड यूनियन है

और हमारा सिक्स जो ऑब्जेक्टिव है आप इंडिविजुअल आपको कोई पहचाने का नहीं आपकी पार्टिसिपेशन भी नहीं हो सकती आप मैनेजमेंट में डिसीजन नहीं ले सकते हो बट एज अ ग्रुप एज एसोसिएशन एज अ ट्रेड यूनियन यू कैन बी रिकॉग्नाइज और पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट डिसीजन नाउ वी विल सी दी फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन ठीक है uh, ऐसे तो फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन को फोर ब्रॉडर पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे बट फर्स्ट वी विल सी दिस कलेक्टिव बार्गनिंग इज वन ऑफ दी फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन वेयर वी डू बार्गनिंग बिटवीन दी मैनेजमेंट एंड वर्कर ठीक है कलेक्टिव बार्गेनिंग यूनिट टू में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है यूनिट टू लेबर रिलेशन का टू कम्प्लीटली कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड नेगोसिएशन पे है तो प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देखो एम बी ए के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये और ये सिलेबस में डीएवीवी का सिलेबस है ये एमबीए थर्ड सेमेस्टर का एडवाइस द मैनेजमेंट ऑन पर्सनल पॉलिसी एंड प्रैक्टिस ट्रेड यूनियन का फंक्शन होता है एक तो कलेक्टिव बार्गनिंग करता है ट्रेड यूनियन देन एडवाइस करता है मैनेजमेंट को पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट फॉर पर्सनल पॉलिसी एंड प्रैक्टिस जो जहां पे आप प्रमोशन रिट्रैचमेंट दे रहे हो ऐसी पॉलिसी बना रहे हो वहां पे उनकी डिसीजन एडवाइस चाहिए होती है

इजिंग दस्ट्रेशन एंड स्ट्राइक टू पुट प्रेसर ऑन मैनेजमेंट यस अगर कोई बात आ, वर्कर की मानी नहीं जाती है तो वो मैनेजमेंट को प्रेसराइज करता है आ, वो प्रेसराइज वो थ्रू स्ट्राइक या थ्रू किसी डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कर सकता है प्रोवाइड द मेम्बर्स विद द लीगल एंड फिनेंशियल एडवाइज अपने मेंबर्स को अपने एसोसिएशन को या फिर जो भी वर्कर हैं उनको वो लीगल या फिनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करता है तो दीज आर दी कलेक्टिव फंक्शंस बीच परफॉर्म बाय ट्रेड यूनियन ओके सो टिपिकल एक्टिविटी ऑफ ट्रेड यूनियन इंक्लूड प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एंड सर्विस टू देयर में अपने जो भी ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं उनको हेल्प करता है फिनंशियल सिक्योरिटी के लिए फिनंशियल एडवाइस देता है लीगल एडवाइस देता है देन कलेक्टिव बार्गनिंग करता है वो फॉर कलेक्टिव बार्गनिंग फॉर बेटर पे एंड वर्किंग कंडीशन फॉर ऑल वर्कर वर्क क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए वो हेल्प करता है पॉलिटिकल कैंपेन इंडस्ट्रियल एक्शन मैनेजमेंट डिसीजन में ट्रेड यूनियन पार्टिसिपेट करता है तो आपको ये फंक्शन समझ में आ गया होगा ट्रेड यूनियन का अब इसको ब्रॉडली फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन ठीक है पहला है आपका मिलिटेंट फंक्शंस फिर फेटरनल फंक्शन सोशल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शन फर्स्ट दैट इज मिलिटेंट फंक्शन मिलिटेंट का मतलब होता है कि विलिंग टू यूज फोर्स टू गेट वॉट यू वॉन्ट फोर्सली या प्रेसराइज करके जो बेसिक चीज है वो हम इस फंक्शन के थ्रू ट्रेड यूनियन करवाता है देख लेते हैं द एम ऑफ सच एक्टिविटी इज टू इंश्योर ओके दू इंश्योर करता है एडुकेट वेजेस के लिए एडुकेट वेजेस्योर बेटर कंडीशन ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट तो मिलिटेंट फंक्शन के अंदर हम देखते हैं कि वेजेस हमें अच्छी मिल रही है या नहीं मिल रही है बेटर वर्किंग कंडीशन है या नहीं है इम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी देखते हैं गेट बेटर ट्रीटमेंट फ्रॉम द इम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं या नहीं एम्प्लॉयर दैट मीन्स मैनेजमेंट मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसा है फॉर टूवर्ड्स वर्कर

एडोप्ट करते हैं फाइटिंग अप्रोच जहाँ पे हम स्ट्राइक के थ्रू और अदर घेराव बाइकॉट के थ्रू अपनी जो हमारी uh, मांग है जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं इसीलिए इसे मिलियंट मिलिटेंट और या फाइटिंग फंक्शन भी कहते हैं ठीक है जहाँ पे हम फोर्सली किसी से काम करवाना चाहते हैं ठीक है सेकेंड फंक्शन इज फ्रेटर्नल फंक्शन मिलीनियन फंक्शन के बाद फ्रेटर्नल फंक्शन है जहाँ पे फ्रेटर्नल का मतलब होता है एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना ठीक है तो फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन कैन बी सम समराइज एज टू टेक अप दी वेलफेयर मेजर्स फॉर इंप्रूविंग द मॉडल ऑफ वर्कर टू जनरेट सेल्फ कॉन्फिडेंस एमंग्स दी वर्कर वर्कर में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना इनकरेज दिस सिंसियरिटी एंड डिसिप्लिन एमंगस दर्कर प्रोवाइड ऑपरचुनिटी फॉर प्रमोशन ग्रोथ टू वर्कर एंड प्रोटेक्ट दुमेन वर्कर अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन सो दिज आर थिंग्स कम अंडर दर्नल फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन ओके आपको क्लियर हो रहा है ना नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सोशल फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन जहाँ पे हम करते हैं वेलफेयर एक्टिविटी एजुकेट करते हैं अपने मेंबर्स को ट्रेड यूनियन को एंड पब्लिकेशन जहां कुछ भी पब्लिकेशन दैट मीन्स मैगजीन न्यूज लेटर उनके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं मेम्बर से ठीक है वेलफेयर में क्या आएगा प्रोवाइड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इंक्लूडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड कॉपरेटिव ट्रेडिट क्रेडिट सोसाइटी फॉर प्रोवाइडिंग दी हाउसिंग कॉपरेटिव स्टोर कल्चरल प्रोग्राम बैंकिंग मेडिकल फैसिलिटी एंड ट्रेनिंग फॉर वुमेन इन वेरियस क्राफ्ट टू हेल्प देम टू सप्लीमेंट देयर फैमिली इनकम ठीक है तो ऐसा वेलफेयर इनकम करते हैं जहाँ पे हम उनको हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट कार्ड क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं म्यूचुअल फंड बताते हैं कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं मेडिकल फैसिलिटी देते हैं और वुमेंस को स्पेशली क्राफ्ट में ट्रेनिंग दिया जाता है जहाँ से वो अपनी फैमिली को इनकम के थ्रू सपोर्ट कर सके देन एजुकेशन यहाँ पे सेकेंड जो सोशल फंक्शन है ट्रेड यूनियन का वहाँ पे वो क्या करते हैं एजुकेशन ऑफ द मेंबर इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ देयर वर्किंग लाइफ इंक्लूडिंग इम्प्रूविंग द सिविक लाइफ अवेयरनेस इन इन्वायरमेंट अराउंड दैम एंड एनहेंस ऑफ देयर लाइफ तो इन इसमें क्या होता है कि इसमें हम वर्कर को समझाते हैं जैसे अभी कोविड था तो कोविड का रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट हुआ आपका कैंसर रिलेटेड अवेयरनेस है वुमेन हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस है तो ये सब उनको एक एजुकेट करते हैं हाइजीन रिलेटेड एजुकेट करते हैं चाइल्ड को कैसे हेल्प करना है वो उनको बताते हैं जो भी इन्वायरमेंट के अंदर हो रहा है सराउंडिंग में उस उससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ठीक है थीके? Uh, जिसमें आपको ये सब भी आता है वो सिकरेट तंबाकू ये सब से क्या प्रॉब्लम आ रही है ड्रिंकिंग से क्या प्रॉब्लम आ रही है ये हम बताते हैं वर्कर को ठीक है थर्ड द फंक्शन ऑफ सोशल फंक्शन ऑफ़ ट्रेड यूनियन इज द पब्लिकेशन तो पब्लिकेशन हम किस फॉर्म में करते हैं न्यूज़लेटर और मैगजीन के फॉर्म में यूजुअली होता है वेयर वी कम्युनिकेट विद देयर मेंबर्स मेकिंग दी लेटर अवेयर ऑफ यूनियन पॉलिसी यूनियन पॉलिसी बताते हैं क्या है प्रिंसिपल इशू सर्टेन प्रिंसिपल इशू जो भी इशू है उसको कैसे सॉल्व किया है कंसर्न पर्सन कौन है वो बताते हैं ओके सो दिज आर फंक्शन कम अंडर सोशल फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन नॉ पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन ये यूजली पॉलिटिकल रिलेटेड है जहां पे जहाँ पे ट्रेड यूनियन ट्राई करता है टू एफिलियट द यूनियन विद अ पॉलिटिकल पार्टी जहाँ पे वो यूनियन अप्रोच करता है पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के लिए दिस फंक्शन इंक्लूड दिएटिंग द यूनियन विद अ पॉलिटिकल पार्टी हेल्प द पॉलिटिकल पार्टी इन ए, एनरोलिंग द मेम्बर्स कलेक्टिंग दी डोनेशन एंड सीकिंग दीपल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अगर आप किसी पोलिटिकल पार्टीज के मेंबर बन जाते हो या उनका सपोर्ट मिल जाता है तो ट्रेड यूनियन बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है मैनेजमेंट को उसका बात समझना होता है सुनना होता है बिकॉज ऑफ द पोलिटिकल प्रेशर ऑल्सो तो ये भी एक उनका फंक्शन है ओके okay? अभी देखो हमने क्या पढ़ लिया हमने ट्रेड यूनियन समझ लिया कि ट्रेड यूनियन क्या है ट्रेड यूनियन को लेबर यूनियन कहते हैं एक एसोसिएशन है एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लेबर और या वर्कर एक यूनियन फॉर्म करती है और क्यों यूनियन फॉर्म करती है टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट सोशल पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट के थ्रू प्रोटेक्ट करती है ठीक है हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया है ट्रेड यूनियन का फंक्शंस आप या तो उस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर अगर टेन मार्क्स में आपको सिर्फ बोला जाएगा कि व्हाट इज द ट्रेड यूनियन एंड एलोबरेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन तो आप सारी कुछ ये जो मैंने बताया है ये सिक्स पॉइंट इन एडिशन आप ये भी लिख सकते हो ठीक है तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे मिलियेंट फंक्शन वो होता है सॉरी मिलिटेंट फंक्शन वो होता है मिलिटेंट मतलब किसी भी चीज को फोर्सली करवाना ठीक है तो जहां पे मान लो कलेक्टिव बार्गनिंग और नेगोशिएशन से बात नहीं बनती है तो वहां पे हम स्ट्राइक के थ्रू बाई के थ्रू हम मैनेजमेंट को प्रेसराइज करते हैं फॉर अपनी बात मनवाने के लिए सेकेंड है आपका फ्रेटर्नल फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन जहाँ पे हम एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपको जैसे आपको डिसिप्लिन uh, एक मेंटेन करना होगा एक बिहेवियर लाना होगा ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है एंड सोशल फंक्शन जहाँ पे हम वेलफेयर की बात करते हैं प्रिंट uh, मीडिया की बात करते हैं जो न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया दैट मीन्स पब्लिकेशन जो ट्रेड यूनियन का एक फंक्शन है जहाँ पे वो उनकी पॉलिसी उन, उन जो जो चेंजेस हुई हैं वो अपने वर्कर को अपने मेंबर्स को बताते हैं एंड एजुकेशन अपने मेम्बर्स को वो एजुकेट करते हैं और पॉलिटिकल फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रेड यूनियन हमेशा चाहती है कोई भी यूनियन हमेशा चाहती है कि उनको एक पॉलिटिकल सपोर्ट मिले ताकि वो मैनेजमेंट के सामने वो थोड़ी स्ट्रांग हो सके ठीक है तो दीज आर दी फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन हमने अभी तक कंप्लीट uh, कर लिया है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया जिसमें ये यूजली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन आपसे हो सकता है एमसीक्यूज में फर्स्ट ट्रेड यूनियन पूछ लेन फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन कम्पलीट हो गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन या और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड यूनियन कम्पलीट हो गया इंपॉर्टेंस में आप फंक्शन ऑब्जेक्टिव दोनों को कम्बाइंड करके आप लिख सकते हो ठीक है एंड ट्रेड यूनियन एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स यहाँ तक हमने कम्प्लीट कर लिया है अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसीजर फॉर दी रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन ठीक है तो ये मैं पार्ट टू में आपको बता रही हूँ ये पार्ट वन है ट्रेड यूनियन का पार्ट टू में मैं ये ये सारी टॉपिक कवर होगी ओके तो मैं पार्ट टू का भी लिंक दे दूंगी और ये इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंस मैंने बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया तो प्लीज आप उसको भी जाके देखिए समझिए और नोट्स बनाइए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है Uh, अगर लॉन्ग टर्म्स का क्वेश्चंस आता है तो यहां से आपके दो क्वेश्चंस बन के आते हैं व्हाट इज ट्रेड यूनियन मीनिंग ऑफ ट्रेड यूनियन एंड द फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन और नहीं तो कंबाइन करके आपसे पूछ सकता है कि अलॉबरेट दियो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रेड यूनियन एक्ट एंड प्रोसीजर ऑफ ट्रेड यूनियन आएगा ठीक है तो ये दो सेकेंड पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए क्लिक कर लीजिए और uh, मैं यहाँ पे वीडियोस मैनेजमेंट एमबीए uh, बीबीए के सारे uh, पेपर को कवर कर रही हूँ यहाँ पे डी ए वी वी का डी ए वी वी कॉलेज से जो भी एप्लीकेशन है जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है एक टी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिट है क्योंकि ये दो का सिलेबस मैंने ऑलमोस्ट कवर कर रखा है सारे पेपर के मैनेजमेंट के और मैं कर भी रही हूँ तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई स, मेरे लिए कोई सजेशन है या मुझसे कुछ आप पढ़ना चाहते हो स्पेसिफिक टॉपिक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम